फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल इन योर इंग्लिश क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इंग्लिश वर्कशीट ऑफ क्लास 8, वर्कशीट नंबर 25। स्टूडेंट अपना नेम लिखेंगे, क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। कब की वर्कशीट है? आज की वर्कशीट है, यानी 23 दिसंबर 2020। ठीक है, लेसन चल रहा है हमारा, दिस इज जोडीज फन, कंटिन्यू है, पहले से ही चला हुआ है पिछली वर्कशीट में भी। आज आगे बढ़ाते हैं, पहले आंसर का क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। आंसर द क्वेश्चंस, फॉलोइंग क्वेश्चन जो नीचे दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ वुड यू फील इफ़ यू लॉस योर पेट? अगर आपका पेट खो जाता है तो आप कैसा फील करते हो? ठीक है, सैड फील करते हो, हार्ट फील करते हो, डिसअपॉइंटेड फील करते हो, हेल्पलेस फील करते हो, या आपका कोई और आंसर है तो वो भी ले सकते हो। ठीक है, तो आप निराश हो जाते हो ना, तो डिसअपॉइंटेड फील करते हो या सैड फील करते हो, तो आप कोई भी लिख सकते हो, सैड लिख सकते हो, इनमें से कोई भी ऑप्शन आप लिख सकते हो जो आप फील करते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, वुड यू ट्राई टू फाइंड इट? हाउ, आप क्या इस उनको ढूंढने का प्रयास करोगे? कैसे? ठीक है, यस, हम प्रयास करेंगे ना। यस आई वुड ट्राई टू फाइंड इट। हाउ, कैसे? बाय फाइंडिंग इट नियर बाय। ठीक है, इन माय स्ट्रीट, इन माय टाउन, ठीक है, इन पार्क एंड वेयर ही कैन गो, जहाँ वो जा सकता है वहाँ हम ढूंढने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या है, रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन। लेसन से जो पैसेज दिया हुआ है उसको आपने ढूंढना है, मतलब रीड करना है। पार्ट टू है आपका, जोडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट ऑफ फान। जोडी फान के बारे में सोचता रहता है। दे पास्ड द अबंडेंट क्लियरिंग, वो मतलब अबंडेंट होता है छोड़ा हुआ, यानी खुले इलाके में से वो जाते हैं जहाँ कोई नहीं जाता। ही सैड कट टू द नॉर्थ मिलविल, अब वो मिलविल को कहता है कि मिलविल नॉर्थ की तरफ चलो। इट वुड अप हेयर दैट पा गोट बीटन बाय स्नेक एंड किल्ड द डो एंड आई सा द फन। यहाँ हेयर मतलब यहीं वो जगह है जहाँ पा को स्नेक ने काटा था और डो को मारा था और मैंने फन को देखा था। ठीक है, सडनली जोडी वाज अनविलिंग टू हैव मिलविल विद हिम। अब अचानक से जो जोडी के मन में क्या आता है कि मिलविल को साथ नहीं ले जाने की इच्छा हो जाती है, कि उसको साथ नहीं ले जाना चाहिए, अनविलिंग हो जाता है वो। ठीक है, इफ़ द फान वाज डेड, अब उसने सोचा कि अगर फान मर गया होगा और कुड नॉट बी फाउंड, और अगर उसको नहीं मिला, ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटेड सीन, वो नहीं चाहता कि उसकी डिसअपॉइंट है, जो उसकी निराशा है, डिसअपॉइंटमेंट दिखे किसी को। ठीक है ना, वो नहीं दिखा सकता अपनी डिसअपॉइंटमेंट किसी को। ठीक है, इफ़ द फन वाज देयर, अगर फन वहीं होगा, द मीटिंग वुड बी सो लवली, मीटिंग उन दोनों की मीटिंग है वो इतनी प्यारी होगी और सो सीक्रेट और इतनी गुप्त में रहस्य में होगी, दैट ही कुड नॉट इंड्योर टू शेयर इट, वो इसको सहन नहीं कर सकता कि कोई और के साथ में इसको शेयर करूं, मतलब वो अपने तक ही सीमित रखना चाहता है। ठीक है, ही सैड, वो कहता है इट्स नॉट फार नाउ, अब ज़्यादा दूर नहीं है, बट द स्कर्ब इज वेरी थिक, और जो झाड़ियां हैं वो ज़्यादा थिक है, गहरी हैं, फॉर अ हॉर्स, घोड़े के लिए, आई कैन मेक इट ऑन माई ओन फुट, वो कहता है कि घोड़े के लिए इन झाड़ियों में से जाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। ठीक है, और मैं फुट यानी मैं पैदल ही आगे जा सकता हूँ, बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय, अब मिलविल कहता है कि लेकिन मैं तुम्हें छोड़ना से डरता हूँ, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता बॉय। सपोज यू गोट लॉस्ट, मान लो कि तुम खो गए, और गोट बिटन बाय स्नेक टू, अगर तुम भी स्नेक द्वारा काट लिए गए, तो आई विल टेक केयर, मैं अपनी देखभाल कर लूँगा। इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फान, मुझे फान को ढूंढने में ज़्यादा टाइम लग सकता है। इफ ही इज वंडर्ड, अगर वो यहीं कहीं घूमता होगा, लीव मी ऑफ राइट हेयर, मुझे यहीं पर उतार दो, ऑल राइट, ठीक है, बट यू टेक इट ईजी नाउ, लेकिन अब तुम्हारे लिए ये ईजी हो जाएगा, यू नो नॉर्थ हेयर और ईस्ट, तुम यहाँ जानते हो कि यहाँ नॉर्थ है या ईस्ट है, हेयर एंड देयर, यहाँ वहाँ, दैट ऑल पॉइंट मेक्स अ बियरिंग, जो पाइन ट्री है, देवदार के वृक्ष हैं, उनसे पता चल जाएगा, सो लॉन्ग,
वो इतनी दूर हैं, ठीक है। सो लॉन्ग मील विल आई एम ओब्लाइज्ड, कि हाँ वो तो काफ़ी दूर है तो मैं ओब्लाइज्ड हुआ, मतलब तुम जा सकते हो अब। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ ह्यूज टू एंड एंड देन कट टू द राइट। अब वो ह्यूज होता है जो घोड़ों की जो पैरों की आवाज़ होती है ना, उसका वेट कर रहा था कि वो साउंड बंद हो जाए आने से, और फिर उसने राइट की तरफ मोड़ लिया, वो राइट की तरफ चलना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये आपका जोड़ी का लेसन था। अब क्वेश्चन आंसर करने हैं, पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर सी क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हिंट्स। आपको हिंट दिए हुए हैं नीचे, ठीक है। इनमें से हिंट को यूज करते हुए आपने फिल्म द ब्लैंक करने हैं, ठीक है। अब नेम टू कैरेक्टर्स इन द अबव एक्सट्रैक्ट। जो लेसन में से आपका एक्सट्रैक्ट लिया गया है, एक भाग लिया गया है, ठीक है, जो पैसेज आपने पढ़ा है उसमें दो करैक्टर्स हैं। कौन कौन से करैक्टर हैं? एक तो है मिलविल, ठीक है ना। कौन है? एक तो मिलविल, मिलविल जिसके साथ जोड़ी आया है, और दूसरा कौन है? जोड़ी, ठीक है। तो आपको ये क्लियर है। सेकेंड है, मिलविल वॉज अफ्रेड टू लीव जोड़ी। जोड़ी को अलोन अकेला छोड़ना, मिल विल डरता है इस बात से, बिकॉज ही वॉज स्केयर्ड, क्योंकि वो डरा हुआ है। इफ जोड़ी, अगर जोड़ी को क्या हो जाए, जोड़ी गोट लॉस्ट, ठीक है। जोड़ी यहाँ पे लिखोगे आप गोट लॉस्ट, ठीक है। सेकंड के फर्स्ट में, बी के फर्स्ट में लिखोगे गोट लॉस्ट और बीटन बाय, गोट बीटन बाय स्नेक, ठीक है। और बी पार्ट के सेकंड में क्या लिखोगे? गोट बीटन बाय स्नेक, यहाँ पे गोट बीटन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, थर्ड, जोडी डिडंट वांट मिल विल टू कम विद हिम बिकॉज ऑफ टू रीजन। अब मेल विल के साथ, मेल विल को साथ नहीं रखना चाहता जोड़ी, उसके दो रीजन हैं, दो कारण हैं। इफ़ द फन वाज, अगर फन कुड नॉट बी फाउंड, अगर फन नहीं मिला, फन वाज क्या लिखेगा? डेड। अगर फन मर गया होगा तो सी के फर्स्ट में क्या लिखोगे आप? डेड, ठीक है। अगर फन मर गया होगा और कुड नॉट बी फाउंड, अगर नहीं मिला, ही कुड नॉट हैव हिज डिसपॉइंटमेंट सीन, तो यहाँ क्या आएगा आपका? सी के सेकंड में डिसपॉइंटमेंट, ठीक है। डिसपॉइंटमेंट को वो सीन नहीं करना चाहता, किसी को दिखाना नहीं चाहता, ठीक है। अब देखो, इफ़ द फान वाज देयर, यहाँ पे क्या आ जाएगा? फान, अगर फान वहीं पर होगा, ठीक है, सी के सेकंड में, ठीक है। ये इफ़ द फान वाज देयर, अगर फान वहीं पर होगा, ठीक है, इसमें फान आ गया, जस्टिस फान वाज देयर, सॉरी इसमें है, इफ़ द फान वाज देयर द मीटिंग वुड बी सो लवली, ठीक है। तो इसमें आ गया लवली, सो लवली एंड डैश टू शेयर इट और सो सीक्रेट, ठीक है। इतनी रहस्यमय होगी और गुप्त होगी कि वो सहन नहीं कर सकता किसी के साथ शेयर करना। ही एक्टेड एज अ कंपास इन द फॉरेस्ट। अब वो कंपास की तरह यूज किया उसने, क्या यूज किया? टाल पाइन ट्री को, ठीक है ना, टाल पाइन ट्री। फाइंड द वर्ड अबव द एब्स्ट्रैक्ट विच मीन नॉट वांटेड टू डू समथिंग, ठीक है। तो उसका, उसको नहीं करना चाहता तो अनविलिंग, ठीक है। तो यह क्या आ जाएगा? अनविलिंग। क्लियर, सभी को समझ में आ गया क्या? क्या लास्ट में अनविलिंग, ठीक है। इसमें फन फर्स्ट में आ जाएगा आपका जोड़ी और मेलविल, ठीक है। अब सेकंड में क्या था? दो रीजन थे, अगर फन डेड हो गया, इसमें आपका नंबरिंग दे देती हूँ मैं, इसमें तीसरा, तीसरे में डेड। अब यहाँ पे चार नंबर दे दिया, डिसअपॉइंटमेंट सीन, पांच में फान आ गया, छः में लवली, ठीक है, सात में सीक्रेट, ठीक है, और आठ में क्या आ जाएगा? कंपास की तरह क्या यूज किया था उसने, ठीक है, पांट्री, और नौ में क्या आ जाएगा आपका? अनवेलिंग, ठीक है। ये आपकी वर्कशीट थी आज की, आई होप सभी को समझ में आई होगी, ठीक है। यहाँ पे गोट लॉस्ट, ठीक है, और यहाँ पर आपका आ जाएगा गोट बीटन।
ठीक है बेटा, आई होप सभी को समझ में आई होगी बेटा। आपने साफ साफ नोटबुक में करके वर्कशीट भेज देनी है। अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।